नमस्कार दोस्तों, गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के खनिज का हम अध्ययन कर रहे थे और करते करते आज पार्ट 6 है वो लेकर आया हूँ। तो पहले हमने बात की थी धात्विक खनिज के बारे में, फिर अधात्विक खनिजों के बारे में हम बात कर रहे थे और उसमें अधात्विक खनिजों में उर्वरक खनिज की हमने बात कर ली थी, बहुमूल्य जो पत्थर हैं प्रेशियस स्टोन जिसको बोलते हैं उनकी हमने बात कर ली, रासायनिक खनिज हैं उनकी हमने बात कर ली। आज हम बात करेंगे वो है आण्विक खनिज हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे अभ्रक है, यूरेनियम है, इस प्रकार के खनिज हैं, अधात्विक खनिज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आपको वक्त मिले तो इसको लाइक कर दिया करो, इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को अगर आपने नहीं कर रखा है तो, और इस वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। ये आपके ही भाई बंधुओं के लिए चैनल है और आपके जो भाई बंधु हैं उनके भी जो इस चैनल के माध्यम से अभी तक नहीं पहुंच पाया है वो चैनल, तो ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनके पास भी ये चैनल पहुंच जाए और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनमें उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ है वो हासिल हो। तो चलिए दोस्तों, आज का स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले अधात्विक खनिज के अंतर्गत पार्ट 6 है ये, और आज बात करेंगे वो है आण्विक खनिज। और आण्विक खनिज के अंतर्गत पहला जो खनिज है वो है अभ्रक, और जिसको माइका भी बोलते हैं। अभ्रक है, इसका जो उपयोग है विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है, बेसिकली अग्नि प्रतिरोधक पदार्थों है, दमन भट्टियों। ये दमन भट्टियाँ क्या होती हैं, देखिए धातुओं को पिघलाने वाली भट्टी है और इसमें अभ्रक का लेप किया जाता है, इनको बोलते हैं दमन भट्टियाँ। और इसके अलावा वायुयान में वगैरह में अभ्रक का है वो उपयोग है वो किया जाता है। विद्युत का एक उचालक होता है। राजस्थान में अगर उत्पादन की दृष्टि से अगर स्थान की बात करें तो 3rd नंबर स्थान पर राजस्थान है वो आता है, 3रा स्थान है इसका। उसके अलावा कुछ और फैक्ट्स है दोस्तों, अभ्रक की चादरें बनाने का जो कारखाना है जिसका नाम है माइके नाइट, ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंतर्गत है। और जो भीलवाड़ा है इसका अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करता है, इसकी वजह से इसका जो कारखाना है वो कहाँ पर है, माइके नाइट कहाँ है, भीलवाड़ा। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था RS के अंतर्गत 95 में कि जो निम्न में से प्राप्य अधात्विक खनिज कौन सा है जो अज्वलनशील है, मतलब अज्वलनशील की तरह भूमिका निभाता है और जो मुख्य रूप से पाया भी जाता है अधात्विक खनिज। तो उसमें से ऑप्शन जो ऑप्शन उत्तर था वो अभ्रक था उसका। तो अज्वलनशील खनिज है इसको, नॉन इनफ्लेमेबल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये है। उसके बाद में अगर इनके खनन क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र की हम बात करें तो पहले मैंने आपको बता दिया कि भीलवाड़ा है ये सर्वाधिक है, और भीलवाड़ा के अंतर्गत ये एक नाम ये भूनास है। ये जब मैं यूरेनियम का आपको अध्ययन कराऊंगा, देखिए आगे नक्शे में भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर ये नक्शा है तो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। तो ये भूनास है, ये दो जगह नाम इसका आएगा, एक बार अभ्रक में आएगा एक बार यूरेनियम में आएगा, तो यहाँ पर ये खनन क्षेत्र है तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। उसके अलावा दांता है, बनेड़ी है, नाथ की नेरी है, फूलिया है, तूनका जिसको टूका भी बोलते हैं, गोकुलपुरा, घावमंड, कोचरिया, इस प्रकार ये स्थान हैं। तो ये ज़्यादा नहीं याद करके अपने को बेसिक जो चीज़ें हैं, इस प्रकार का डीपली क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया इसमें से, लेकिन फिर भी अपना काम अध्ययन करना है। उसके अलावा हम बात कर लें टोंक की, तो टोंक में शंकरवाड़ा, मानखंड, बरला जिसको बारेली भी बोलते हैं, मिराऊं, धोली या पादलरी, इस प्रकार के स्थान हैं ये टोंक में अभ्रक के प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। उसके अलावा उदयपुर में अगर बात करें तो चंपागुड़ा है, सरवाड़गढ़ है और धोला मेत्रा है। इस प्रकार इतना ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अभ्रक के अंतर्गत जो पूछे गए क्वेश्चन है अभी तक उनमें से अगर आपको जिला याद है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, भीलवाड़ा है जो सर्वाधिक है ये भी पूछा जा चुका है। तो ये आपको अगर जिले याद होंगे तब भी आपका काम है वो इसमें शायद चल जाएगा, क्योंकि SI 98 में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें सर्वाधिक पूछा था कि सर्वाधिक जो अभ्रक का उत्पादन है कहाँ पर होता है, तो भीलवाड़ा। इस प्रकार जो और भी कुछ जिले हैं, अजमेर है, जैसे डिस्क्रिप्टिव वाले एग्जाम वालों कई बार कहाँ पर पूछ जाते हैं अभ्रक उत्पादित 5 प्रमुख जिलों के नाम लिखिए, तो वहाँ पर हम इन 5ों जिलों का नाम लिख सकते हैं। तो इसलिए अजमेर है, और सीकर के अंतर्गत है, मुंडा की खान है और काचरवाड़ा नामक स्थान है वहाँ पर होता है। राजसमंद में जो अमेठ है क्षेत्र है वहाँ पर होता है। इसी प्रकार जयपुर है, जयपुर के अंतर्गत आप मान लीजिए जो फागी तहसील का आसपास का क्षेत्र है, भोजपुरा, माधोराजपुरा, करनवावास है, बंजारी, लक्ष्मी, इस इत्यादि स्थानों पर जयपुर में होता है, पाली और अलवर, इत्यादि नाम आपको याद रखने होंगे। उसके बाद में बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट नक्शे की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपको मैप दिख रहा है, मैप के अंतर्गत हम एक एक करके हम अध्ययन करेंगे कहाँ कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था भीलवाड़ा से, सर्वाधिक उत्पादन इसका यहाँ पर होता है। तो भीलवाड़ा में हमने बात की थी भूनास, दांता, बनेड़ी,
फूलिया, नाथ की नेरी, तुनका, घावमंड, गोकुलपुरा इत्यादि ये प्रकार के स्थान हैं यहाँ पर। उसके बाद में हमने बात की थी टोंक की, तो टोंक में शंकरवाड़ा, मानखंड, बिरला, मिराऊ इस प्रकार के जो स्थान हैं आपको रखने हैं याद। उसके अलावा कुछ स्थान है जयपुर के अंतर्गत, मैंने बताया था लेकिन आपको जयपुर डिस्ट्रिक्ट ही याद रखना है। उसके अलावा सीकर के अंतर्गत मुंडा की खान काचरवाड़ा, अलवर आपको नाम याद रखना है। उसके अलावा राजसमंद के अंतर्गत मैंने आमेट का क्षेत्र है वो बताया था। उदयपुर के अंतर्गत आपको चंपागुड़ा, सरवाड़गढ़ और धोला मेत्रा ये स्थान आपको याद रखने हैं। तो ये प्रमुख तय से नक्शे में आपको मैंने बता दिया। ये जो लाल से आपको डिनोट कर रखे हैं ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, मैंने आपको यहाँ पर डिनोट किया, कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं पैदा हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों यूरेनियम है, और यूरेनियम भी आण्विक खनिज के अंतर्गत ही आता है। अभ्रक भी आण्विक खनिज के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि उससे कुछ भी सामान है जो परमाणु बम वगैरह बनाते हैं उसमें उपयोग होता है। और यूरेनियम है ये भी परमाणु बम वगैरह या फिर इससे बिजली उत्पादन करना, अणु विद्युत ग्रह है वहाँ पर इसका बेसिकली जो उपयोग है वो किया जाता है। तो यूरेनियम से आप अवेयर हो पहले से, क्योंकि ये जो जितने भी बिजली प्रकार की जो आण्विक ऊर्जा बनती है तो इसमें भी इसका उपयोग है वो बेसिकली किया जाता है। तो सर्वाधिक अगर बात करें भंडार क्षेत्र की, क्योंकि यूरेनियम के इतने ज़्यादा भंडार नहीं हैं और इतना ज़्यादा इसका उत्पादन है वो अत्यंत सीमित स्तर पर ही किया जाता है, इतना ज़्यादा विस्तार स्तर पर किया नहीं जाता। इसकी वजह से यहाँ से कभी क्वेश्चन भी लगभग कम ही पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको बताऊँगा कौन सा पूछा गया था 2016 में आरएस में, और वो भी हम बात करेंगे। तो भंडार क्षेत्रों की बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो उदयपुर के अंतर्गत बात करें तो उमरा भंडार क्षेत्र है, उसके बाद में मैं नक्शे में भी बताऊंगा आपको। सीकर है, सीकर में खंडेला और रोहिल ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर भंडार पाए गए हैं। रोहिल में तो अभी लेटेस्ट ही पाए गए हैं कितने करोड़ जो हज़ार टन है यहाँ पर यूरेनियम के भंडार मिले हैं। उसके अलावा भीलवाड़ा के अंतर्गत भुनास, मैंने आपको बताया था भुनास नाम को आगे भी आएगा। और ये जो आरएस 2016 एग्जाम हुआ था उसमें कुराड़िया और कुराड़िया के आगे लिखा हुआ था यूरेनियम, तो यहाँ पर वो गलत सुमेलिखित वाला क्वेश्चन था और वहाँ पर जो क्वेश्चन जो गलत था वो तो जिप्सम का था, लेकिन यहाँ पर जो राइट था कुराड़िया के सामने यूरेनियम सही था, तो मैंने यहाँ पर आपको बताना उचित समझा। उसके अलावा आपको जो डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं वो है बांसवाड़ा और अजमेर। उसके अलावा डूंगरपुर है, क्योंकि उदयपुर और बांसवाड़ा के बीच में डूंगरपुर है, तो वहाँ पर भी भंडार है, पाए जाने की संभावना है। तो ये मात्र एक संभावना है, इनका उत्पादन बहुत ही सीमित स्तर पर किया गया है, फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये अच्छा खनिज है, आण्विक खनिज है, इसकी वजह से आने के पूरे पूरे यहाँ पर चांसेज रहते हैं। अभ्रक के बाद में अगर क्वेश्चन बनता है यूरेनियम से ही बनता है। उसके अलावा नक्शे में देख लीजिए आप, यहाँ पर आप नक्शा देख रहे हो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था सीकर में खंडेला और रोहिल क्षेत्र, अजमेर उसके अलावा बताया था मैंने स्थान, उसके अलावा भीलवाड़ा में भुनास और कुराड़िया, और उसके अलावा उदयपुर में बात की थी उमरा और बांसवाड़ा, और क्योंकि यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर बीच में आता है तो यहाँ पर भी संभावना पाए जाने की बिल्कुल 100% के लगभग हो जाती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये थोरियम है, इसके भी उत्पादन और भंडार क्षेत्र बिल्कुल सीमित स्तर पर ही है, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए नए के बराबर है, लेकिन फिर भी ये संभावना जताई गई है कि भीलवाड़ा के यहाँ पर कुछ भंडार मिले हैं। भीलवाड़ा के सरदारपुरा नामक स्थान है, पाली का बदावन और भीतवाड़ा स्थान है, तो आपको याद नहीं रखने, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोरियम भी है, ये परमाणु बम वगैरह बनाने में काम आता है, तो ये भी एक आण्विक खनिज है। ये ग्रेफाइट मैंने यहाँ पर इसलिए यूज में लिया है क्योंकि ये ग्रेफाइट थोड़ा सा इनसे रिलेटेड भी है, तो यहाँ पर हम ग्रेफाइट का भी अध्ययन साथ साथ कर लेते हैं। इसको ब्लैक हेड या मिनरल कार्बन भी इसको नाम ग्रेफाइट को दिया जाता है। बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है ग्रेफाइट के रूप में क्वेश्चन है, यहाँ से नहीं बनेगा, ये बनेगा जनरल साइंस के क्वेश्चन रूप में, वहाँ पर जो परमाणु बम वगैरह हैं, अणुशक्ति ग्रह हैं, वहाँ पर कूलेंट के रूप में यानी मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट की छड़ों का, तो ये आपको याद रखना है, बल्कि ये स्थान आपको याद नहीं रखने। बेसिकली कोई जैसे कोई याद रखने वाला हो तो रखिए तो अच्छी बात है, वरना ये दोनों किसी काम के नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग है मंदक के रूप में किया जाता है, ये याद रखें। उसके अलावा भारी मशीन है, उनमें स्नेक के रूप में भी ये प्रयुक्त है, लुब्रिकेंट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो था आज के आण्विक खनिज, उसके बाद में जो और भी जो बचे हुए हैं उनका भी एक एक करके हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, वहाँ से एक घंटी दिखेगी, घंटी को दबाइएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन वो जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हो, और अगर ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हो, और आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।